हेलो फ्रेंड्स, मैं डेजी जैन, डेजीज मैजिक फूड में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज फिर से एक नई रेसिपी लेकर आई हूँ। आज हम बनाने वाले हैं वॉफल्स। जी हाँ, बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स में और बहुत ही इजीली जो आपकी किचन में अवेलेबल होंगे, ऐसे इंग्रेडिएंट्स यूज करके आज हम वॉफल्स बनाने वाले हैं। तो चलिए मेरे साथ ज्वाइन कीजिए आज की रेसिपी। चलिए बनाते हैं वॉफल्स। एक कप गुनगुने दूध के अंदर एक टीस्पून विनेगर डालकर इसे एक बार हिलाकर हम साइड पे रख देंगे। यहाँ हम लेंगे एक मिक्सिंग बाउल और उसमें ऐड करेंगे 1 कप ऑफ मैदा। इसी के साथ हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 कप ऑफ पाउडर शुगर, 1/2 टीस्पून ऑफ बेकिंग सोडा, 1.5 टीस्पून ऑफ बेकिंग पाउडर। इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। ये देखिए, अच्छी तरह से हमने इसे मिक्स कर लिया है। इसे करेंगे साइड पर। ये देखिए फ्रेंड्स, जो गुनगुना दूध हमने लिया था उसमें हमने डाला था विनेगर। ये देखिए दूध यहाँ पर, ये देखिए आप देख सकते हैं, देखिए कर्डल हो गया है। इसे एक बार मिक्स करने के बाद हम हमारे इस मिक्सचर में इस कर्डल मिल्क को ऐड कर देंगे। इससे जो हमारे वॉफल्स हैं बहुत ही टेस्टी क्रिस्पी बनकर रेडी होंगे। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, बस आपको ध्यान रखना है कि इसमें कोई भी लम्स ना रहे। अच्छी तरह से हमने इसे मिक्स कर लिया है। ये देखिए फ्रेंड्स, मटेरियल में अभी से पूरे बबल्स आ चुके हैं। मैं आपको क्लोजली दिखाती हूँ, आप यहाँ देख सकते हैं ये छोटे छोटे जो है बबल्स इसमें आने शुरू हो गए हैं। अब हम इसमें डालेंगे 2 टीस्पून ऑफ देसी घी। जी हाँ, इसमें हम देसी घी ऐड करेंगे जिससे कि हमारे वॉफल्स और ज्यादा क्रिस्पी बनकर तैयार होंगे। तो इसी के साथ हम यहाँ ऐड करेंगे वेनिला एसेंस। 8 to 10 ड्रॉप्स वेनिला एसेंस की यहाँ हम ऐड करेंगे। इसे भी एक बार अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। यहां मैं ले रही हूं सॉल्ट अ पिंच। ये जो टेस्ट है मीठे का उसको थोड़ा कंट्रोल करेगा। चुटकी भर सॉल्ट इसमें डालकर मिक्स करने के बाद ये देखिए हमारा वॉफल बैटर जो है बिल्कुल रेडी है। ये देखिए बैटर इस तरह से थोड़ा फ्लोइंग होना चाहिए। तो चलिए हम वॉफल मेकर की तरफ चलते हैं और उसे प्रीहीट करते हैं। तो लीजिए फ्रेंड्स, वॉफल मेकर हमारा प्रीहीट हो चुका है। इसे हम हल्का सा घी लगाकर रेडी कर लेंगे। आप चाहें तो इसमें बटर भी लगा सकते हैं। मैं यहाँ पर घी का यूज कर रही हूँ। दोनों तरफ मैंने हल्का हल्का घी लगाकर वॉफल मेकर को रेडी कर लिया है। तो यहाँ पर लेंगे हम अपना बैटर और इस तरह से वॉफल मेकर के अंदर बैटर को स्प्रेड करेंगे। इसे बहुत ज्यादा फिल अप नहीं करेंगे फ्रेंड्स, क्योंकि जब हम इसे बंद करेंगे तो
बैटर जो है वो काफी बाहर आ जाएगा। ये देखिए इस तरह से। दूसरी तरफ भी हम बैटर को फिल कर लेंगे इस तरह से। तो चलिए अब हम इसे बंद करेंगे और लॉक कर देंगे। तो फ्रेंड्स 10 मिनट्स हो चुके हैं, तो चलिए अब हम इसे एक बार चेक करते हैं। तो वॉफल मेकर को ओपन करेंगे। वाह, कितना प्यारा सा कलर आया है फ्रेंड्स। बिल्कुल ये देखिए रेडी हो चुके हैं। वॉफल मेकर को यहाँ से मैं ऑफ करूंगी और इसे हम एक प्लेट में निकालेंगे। यहाँ से हम वॉफल्स को ये देखिए बहुत ही इजीली रिमूव हो गए हैं और इन्हें रखेंगे हम अपनी ट्रे में। आप चाहें तो इसी तरह से सर्व कर सकते हैं, आप चाहें तो बीच में से इसे कट कर सकते हैं क्योंकि काफी बड़ा पीस है ये। ये देखिए इस तरह से मैं इसे कट करूंगी और इसे दूसरे एंगल में इस तरह से रखूंगी। अभी हम इन्हें सर्व करेंगे यहाँ पर वेनिला आइसक्रीम के साथ। यहाँ मैंने एक स्पून वेनिला आइसक्रीम इसमें डाली है। अब यहाँ हम लेंगे चॉकलेट सॉस और इसे भी जिगजैग करते हुए इसको कवर करेंगे। देखिए फ्रेंड्स बहुत ही प्यारा लग रहा है हमारा वॉफल और खाने में भी बहुत ही क्रिस्प होगा। अब मैं यहाँ लूंगी कुछ वर्मासिली चॉकलेट। जी हाँ, ये रॉ चॉकलेट होती है। इसे भी हम इस तरह से स्प्रिंकल करेंगे इसके ऊपर। अब मैं यहाँ पर लूंगी कुछ कलरफुल बॉल्स। जी हाँ, इन्हें भी हम इस तरह से इसके ऊपर स्प्रिंकल करेंगे। यहाँ मैं लूंगी एक स्मॉल हार्ट जो कि इस तरह से सेंटर में रखूंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, आप सभी ने मेरी रेसिपीज को बहुत लाइक और शेयर किया है। इसी तरह से मेरी रेसिपीज को लाइक और शेयर करते रहिए और जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट रेसिपी में। गुड बाय।